जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंडर में स्टैटिक्स सांख्यिकी से कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। मैथ्स के कुछ आपके प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न आपसे मैथ में पूछे जाते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं, थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं, और हम देखेंगे कि एग्जाम्स में कैसे आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, मोस्टली पिछले 5 सालों के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो सारे प्रश्न इसी पॉइंट से आए हैं। आपसे माध्य पूछा जाता है, माध्यिका, बहुलक, सहसंबंध गुणांक और मानक विचलन। इसी पॉइंट से आपके न्यूमेरिकल के प्रश्न आते हैं और अच्छे खासे नंबर में, और हर साल आते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो मीन, मीडियन, मोड, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये न्यूमेरिकल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, मैथ के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अब आइए बात करते हैं कि उन बच्चों क्या क्या जिन्हें मैथ के साथ समस्या हो, जैसे मान लीजिए मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, वो बच्चे क्या करें। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, यहाँ पे आप देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का ग्रुप है। यहाँ पे आने के बाद हम चलते हैं फाइल की तरफ, और फाइल में हम आपको दिखाना चाहते हैं प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर की कैसे आपसे प्रश्न पूछे गए। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ हैं जो आपके बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है। हम आगे देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर के अनसॉल्व को, और यहाँ से जानेंगे कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है और जिन बच्चों को मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है वो क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम है उनको ऑप्शनल में यहाँ पे दिया रहता है। जैसे कि ये 2020 का मैं आपको पेपर दिखाऊं, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर 2020 का पेपर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हम देखते हैं 2020 के पेपर में सेकेंड पेपर को। सेकेंड पेपर में आप देखेंगे दोस्तों, तो आपसे क्या प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था कि माध्यिका निकालिए, एक नंबर में प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि माध्यांक की गणना करना है, और ये आपसे 8 नंबर में पूछा गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है, जैसे आपको अगर ये समस्या है आने में, तो आप घबराइए मत, यह अथवा में दिया जाता है। ठीक है, चौथा प्रश्न आप देखेंगे तो ये अथवा में करके दिया गया है। अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो इसको स्किप करके आप ये वाला प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं कि केंद्रवर्तीय मानों का क्या अभिप्राय है, कौन कौन से मान अधिक प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, ये हर साल की बात है, इस साल की बात नहीं है। आप नीचे देखेंगे यहाँ पे भी ऑप्शन सी में, चूंकि 15 नंबर का ये सवाल आपसे पूछा गया था, इस सवाल को आप नोट करिए, सह संबंध गुणांक की गणना करना है। 15 नंबर में एक ही सवाल आपसे पूछा गया, और जिनका मैथ में इंटरेस्ट है उनका तो मजा ही है, एक मैथ सॉल्व कर लेंगे, उनका 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ भी आपके टोटल 4 प्रश्न दिए गए हैं, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पे कहा गया है कि अटेम्प्ट एनी टू, केवल किन्हीं 2 प्रश्नों के ही उत्तर दीजिए, तो यहाँ भी आपके विकल्प में दिए गए। तो जिनका मैथ आता है उनको तो वेल एंड गुड, जिनका मैथ नहीं आता उनके साथ भी कोई समस्या नहीं, वो मैथ वाले प्रश्न को छोड़ देंगे। चलिए इस एक बार और 2021 के पेपर को देख लेंगे। उम्मीद करते हैं ये सारे अनसॉल्व पेपर आपके पास होंगे, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। 2021 की बात करें तो 2021 में भी आप देखेंगे तो आपसे यह प्रश्न यहाँ पे पूछा गया था, और इस प्रश्न में कहा गया था कि आप तालिका को मध्यमान की गणना करना था यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, मध्यमान भी देखेंगे तो आपको यहाँ पे अथवा में पूछा गया था आपसे। इसके अलावा था कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसे टाइप टेस्ट, यानी कि निबंधनात्मक परीक्षण की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं, तो ये सारे प्रश्न आए थे। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो पूरे अनसॉल्व को रिसर्च करने पे आपको यही मिलेगा कि आपके प्रश्न या तो माध्य पूछे जाएंगे, माध्यिका, बहुलक, सहसंबंध गुणांक और मानक विचलन। इसमें जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है वो ये है, मानक विचलन और सहसंबंध गुणांक, ये बड़े बड़े प्रश्न में पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कि इनको हल कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है दोस्तों। तो दोस्तों, अब मैं आपको अपने YouTube चैनल पे लेके आऊँगा, आपको ये बताना है कि आपको इसको हल कैसे करना है और इसके वीडियोस आपको कहाँ मिलेंगे। तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में अगर आप आएंगे तो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट मिलेगा, बीएड सेकेंड ईयर पेपर टू पे आइए, यहाँ पे क्लिक करिए और आपका जो पहला ही वीडियो मिलेगा, आप देखेंगे कि मैंने 2020 के एक प्रश्न को हल किया है, उस प्रश्न को मैंने यहाँ पे बताया कि कैसे वो समस्या समाधान होगी। तो ये प्रश्न ये था कि मध्यमान की गणना करना, तो इसमें मैंने इस प्रश्न को यहाँ पे हल कराया। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जैसे कि ये सहसंबंध गुणांक देखेंगे तो सहसंबंध गुणांक को भी यहाँ पे हल किया गया है। ठीक है, सहसंबंध गुणांक विस्तृत वाइज यहाँ पे हल किया गया। तो अभी तक मेरे चैनल के वीडियोस पे अगर आप देखेंगे तो आपके कुछ प्रश्न के यहाँ पे हल मिल जाएंगे, आपको सहसंबंध गुणांक की यहाँ पे मिल जाएगा, आपको मध्यमान की वीडियोस मिल जाएंगे, ये भी देखेंगे तो आप मापन और मूल्यांकन, ये तो थ्योरी सब्जेक्ट है, सहसंबंध गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा। जो रिमेनिंग पार्ट है दोस्तों जो रिमेनिंग पॉइंट्स है, जैसे कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, इससे संबंधित
एक वीडियो में ये तीनों पॉइंट कवर अप कर दिए जाएंगे और वो वीडियो मैं बना रहा हूँ, बिल्कुल तुरंत अपडेट कर दिया जाएगा आपको। बाकी सहसंबंध गुणांक के वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप प्लीज़ उसको देख लीजिए। और तीसरे वीडियो में मानक विचलन को, मतलब कहने का मतलब है मेरी पूरी कोशिश और मेहनत है कि एग्ज़ाम से पहले आपके जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, थियरी हो, वो सारे कंप्लीट करा दिए जाए। मैं बहुत दिल लगा के आपके एग्ज़ाम्स के लिए मेहनत कर रहा हूँ। सिंपल से एक ही मकसद है कि आपके नंबर्स बहुत अच्छे आएँ, क्योंकि मोस्टली बच्चे कॉलेज में क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों आप भी थोड़ी सी कोशिश करिए अपनी तरफ से और चैनल पे लोगों को जोड़िए, चैनल वीडियो को शेयर करिए और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़िए और रिक्वेस्ट करिए एक अच्छी टीम बना के साथ में पढ़ते हैं, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके नंबर्स देख के, आपके कमेंट्स देख के मुझे अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी यह तीन वीडियो एक वीडियो में जैसे ये तीनों पॉइंट कवर होगा, मैंने अपने टेलीग्राम के मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, आप जुड़ जाइए, वहाँ पे हम साथ मिलके पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपने देख लिया होगा सहसंबंध गुणांक। इस वीडियो के लिए आप तैयार रहिए। माध्यमादिका बहुलक एक वीडियो में ख़त्म। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए जानकारी के साथ, इस के आंसर के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।